गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पिनाकल पे। तो आप सभी को बताया 6 बजे हम सीजल टीयर 1 की क्लासेस करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस की क्लास मेरी होती है 6 बजे। तो ठीक है, आइए जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं सीजल के। तो सीजल हो या सीपीओ के एग्जाम्स हो, उन सभी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जनरल अवेयरनेस के, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। मारफती के गाने के पारंपरिक लोक गीत है, कहाँ के ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है मारफती, ये आपको बताना है। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या सही जवाब होने वाला है इसका हमारे लिए। सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मारफती के गाने कहाँ के पारंपरिक लोक गीत है, कौन से देश के, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के ये पारंपरिक गीत है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि नेम द नेशनल बर्ड ऑफ भूटान, भूटान के राष्ट्र पक्षी का नाम बताइए। भूटान के राष्ट्र पक्षी का नाम है रेवन। ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। रेवन क्या है, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी का नाम है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। द टर्म चेरी पिकिंग इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है, कौन से खेल में प्रयोग किया जाता है चेरी पिकिंग का। जल्दी से जवाब दीजिए, चेरी पिकिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल के अंदर, किसके अंदर, बास्केटबॉल। तो ऑप्शन सी देखिए, बास्केटबॉल जो हो वह हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जल्दी से जवाब देते जाइए, साथ के साथ आपका रिवीजन होता जाएगा और आपको अपना स्कोर भी पता लगेगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं। आउट ऑफ 50 आपको अपना स्कोर पता लगा सकते हैं आप इस टेस्ट के अंदर। देखिए, इन इंडिया 24th Jan इज ऑब्जर्व एज विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, कि भारत में 24 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से जवाब दीजिए, 24th January इज ऑब्जर्व एज वन ऑफ द फॉलोइंग डेज, क्या जवाब होगा इस क्वेश्चन का हमारा। फोर्थ के लिए हमारा राइट आंसर होगा गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शंस को देख लेते हैं। फार्मर्स डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को, ठीक है, और नेशनल एग्रीकल्चर डे मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है, ये डेट्स भी आप याद रखना क्योंकि ये काफी सिमिलर वर्ड्स हैं, फार्मर एंड एग्रीकल्चर, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, स्मॉलेस्ट बर्ड आपसे पूछा गया है। लार्जेस्ट सभी को पता होगा, आप सभी को, कि लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है, ऑस्ट्रिच है। ठीक है, ये बात सभी को पता है। स्मॉलेस्ट के बारे में बताइए, किस किस को पता है स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है पूरे विश्व के अंदर, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका आंसर हम लेंगे ऑप्शन सी, बी ह्यूमिंग बर्ड, मधुमक्खी हमिंग बर्ड जो है वो पूरे विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड, सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रशांत मौर्य ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सोनम निमी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सभी का, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। Who among the following was named as Chief Executive Officer of ICC in Jan 2019? जनवरी 2019 में आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित जिनको किया है, उनका नाम है मनु सहानी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब होगा। किनको किया गया है, मनु सहानी को, और ये 5th चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं किसके, आईसीसी के, 5वें नंबर के। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हु वॉज द इंडियन आर्मी चीफ एज एट द टाइम ऑफ लिबरेशन, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जब बांग्लादेश मुक्ति युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत सेना के प्रमुख कौन थे, उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी देखिए, सैम मेनेकशो उस समय भारत के चीफ आर्मी ऑफिसर थे। ठीक है, और इनको किस नाम से, सैम बहादुर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, सैम मेनेकशो इज द राइट आंसर। अगला देखिए, प्रशांत ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड प्रशांत। लतीश, अरविंद, राधे, सभी के सही जवाब आने लगे हैं। अब अगले क्वेश्चन का जवाब दे। हु अमंग द फॉलोइंग रॉट द बुक हिस्ट्री ऑफ द सिख, निम्नलिखित में से किसने हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी है, ये आपसे पूछा है। इस बुक को जिसके द्वारा लिखा गया है उनका नाम बताइए। जल्दी से जवाब दीजिए मुझे अगर आप जानते हैं इस क्वेश्चन को।
इस बुक का नाम जिन्होंने लिखा है वो भारत के काफी फेमस ऑथर है, एंड हिज नेम इज खुशवंत सिंह। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब है। ठीक है, विजय हजारे वॉज अ फेमस इंडियन प्लेयर एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट ऑफ। विजय हजारे का नाम आपने जरूर सुना है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि उनका नाम कौन से खेल से संबंधित है, तो उनका नाम संबंधित है क्रिकेट से। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब होगा, क्रिकेट खेलते थे वो। तो विजय हजारे किससे संबंधित है, क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉरेनर हु हैज कंफर्म्ड द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन 2019। उस विदेशी की पहचान आपको करनी है जिसे 2019 में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, यमन के सॉरी इसका सही जवाब होगा जिबूती के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनके राष्ट्रपति हैं 1999 से लेके अभी तक उनका कार्यकाल चल रहा है। और जिबूती के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है इस्माइल उमर गुल्ले, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, यमन में जब अटैक हो रहे थे उस समय भारतीयों को सुरक्षित वहां से निकाला था, इसलिए भारतीय इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये इसके पीछे रीजन था इनको सम्मान देने का। और उनका नाम जो है, जिस हस्ती को ये अवार्ड दिया गया है उनका नाम है इस्माइल उमर गुल्ले। और ये कौन है, कहाँ के राष्ट्रपति है? ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ जिबूती। जिबूती के ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? तो देखिए, भारत का सबसे तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, थेनी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है उसको। वहां पे ये वाटरफॉल जो है मौजूद है, उसका नाम है थलियार जलप्रपात। ऑप्शन डी देखिए, थलियार जलप्रपात जो है वो हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इन जैन 2019 वॉज नेम्ड वर्ल्ड नंबर वन बॉक्सर बाय इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। जनवरी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा विश्व का नंबर एक मुक्केबाज नामित किया गया है। किन्हें किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी करंट अफेयर्स में रहा है। इसका सही जवाब होगा मैरी कॉम। मैरी कॉम को ये इस अवार्ड से सम्मानित इस रैंकिंग दी गई है वर्ल्ड नंबर वन बॉक्सर। ठीक है, और ऐसे इनको रैंकिंग किस लिए दी गई है, क्योंकि फर्स्ट फीमेल बॉक्सर बन गई है जिन्होंने 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती गई है मैरी कॉम के द्वारा, इसलिए इनकी रैंकिंग जो है वो नंबर वन रैंकिंग रखी गई है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काजी नजरुल इस्लाम कहाँ के राष्ट्रकवि हैं? इसका जवाब दीजिए, कहाँ के राष्ट्रकवि है काजी नजरुल इस्लाम? इसका सही जवाब क्या होगा? ये एक बहुत ही फेमस कवि है, कौन से देश के? बांग्लादेश के। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब है। जानते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से जवाब दीजिए। बांग्लादेश जो है उसके एक एक काफी फेमस कवि है, राष्ट्र कवि है काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला देखते हैं। विच इंडियन एक्ट आर्कर वॉन द गोल्ड मेडल इन द वीमेन रिकर्व इवेंट एट द 2000 हुंडई आर्चरी वर्ल्ड कप। किस भारतीय तीरंदाज ने 2018 में हुंडई तीरंदाजी विश्व कप की महिला रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? उनका नाम आपसे पूछा गया है, उनका नाम है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी ने अतानु दास के साथ मिलकर यह अवार्ड जीता है। ठीक है, और ये इवेंट कहाँ हुआ था? ये टर्की के अंदर ये इवेंट हुआ था, उन्होंने इसमें पदक जीता है। किसके साथ मिलकर? अतानु दास के साथ मिलकर। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स बुक इज द कलेक्शन ऑफ हूज स्पीचेस एंड नोट्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक जो है वो किसके भाषणों और टिप्पणियों का संग्रह है, किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स बहुत फेमस बुक है, मैंने काफी सारे एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को रिपीट होते देखा है। यह बुक लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली या रहने वाले उस इंसान का आपको नाम बताना है। इसका सही जवाब होगा हमारा, क्या सही जवाब होगा? शेख हसीना। शेख हसीना जी जो है वो बांग्लादेश की सबसे लंबी प्राइम मिनिस्टर के पद पे रहने वाली प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2009 से ये कार्यरत है। ठीक है, 2009 से ये इस पद के ऊपर कार्यरत है। नेम द वीमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वाज अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेप्सिको।
पेप्सिको के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया? इस कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इंदिरा नुई, ये भारतीय ओरिजिन से है, ठीक है, इंदिरा नुई जो है वो हमारा सही जवाब है। अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना? रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है, प्रेजेंट नहीं पूछा, आपसे पहले राष्ट्रपति का नाम पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, युआन शिकाई जो है वो पहले राष्ट्रपति थे रिपब्लिक ऑफ चाइना के, चीन गणराज्य के, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है यहाँ पे। कन्यादान डांस इज द कॉमन डांस ऑफ विच कंट्री? आपसे पूछा गया है कांडियन, सॉरी आई स्पेल्ट इट रॉन्ग, कांडियन नृत्य देश का सामान्य नृत्य है, तो कौन से देश का सामान्य नृत्य है ये आपसे पूछा गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? 19th के लिए हमारा राइट आंसर होगा श्रीलंका, श्रीलंका का यह है एक कॉमन डांस है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की पहचान करें। हाँ जी, पहचान कीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, साउंड को मापने की, साउंड की इंटेंसिटी को मापने की इकाई क्या होती है? हम जल्दी से जवाब देते जाइए मेरे साथ, क्या सही जवाब होगा इसका, इसका सही जवाब क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20? इसका सही जवाब आ रहा है मेरे पास, यस, बिल्कुल सही जवाब दे रहे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डेसिबल, डेसिबल हमारा सही जवाब है। डेसिबल के अंदर हम साउंड की, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं और हमारे सुनने की शक्ति कितनी होती है, हमारे सुनने की शक्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, जितनी भी फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम एक नॉर्मल ह्यूमन बींग सुन सकता है। इस फ्रिक्वेंसी को याद रखना, ये भी एग्जाम में आती है। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु वॉन द कैनेडियन ओपन वुमेन्स डबल टाइटल इन 2015 अलॉन्ग विद अश्विनी पोनप्पा वॉज? आपको यहाँ पे उन एक बैडमिंटन प्लेयर का नाम बताना है, खिलाड़ी का नाम बताना है, जिन्होंने अश्विनी पोनप्पा के साथ मिलकर 2015 में कनाडियाई ओपन महिला युगल का खिताब जीता है। खिताब जीतने वाली महिला है ज्वाला गुट्टा, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, अश्विनी पोनप्पा के साथ मिलकर इन्होंने ये खिताब जीता था 2015 के अंदर, ठीक है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है आपसे पूछा गया है। ये जो हिल स्टेशन है इसको उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है, क्यों, काफी बहुत सुंदर जगह है ये, कभी अगर आप विजिट करना चाहें तो इसको जरूर कीजिएगा। दरिंगबाड़ी जो है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है, हिल स्टेशन है जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है, इसे उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है, ये चीज भी आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द प्रणाम कमीशन टू प्रोटेक्ट पेरेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? कि सरकारी कर्मचारियों के अभिभावकों की सुरक्षा के लिए किस भारतीय राज्य ने प्रणाम आयोग का गठन किया है? इसके द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? असम सरकार के द्वारा। और असम के चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा जाए तो क्या नाम है चीफ मिनिस्टर का? सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इस कमीशन की शुरुआत की गई है। किसके लिए? कि जो पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने के लिए इस कमीशन की शुरुआत की गई है। अगर इसकी फुल फॉर्म भी आए एग्जाम में तो फुल फॉर्म देख लेते हैं इसकी क्या है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉनिटरिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस कमीशन की फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिएगा, और असम सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। आगे देखिए, विच इंडियन ऑथर रोट द बुक द इंग्लिश टीचर? द इंग्लिश टीचर पुस्तक किस भारतीय लेखक ने लिखी है? यह पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? लिखी गई है आर के नारायण जी के द्वारा, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। इन विच प्रोविंस ऑफ चाइना इज द हुआंगशु नेशनल पार्क लोकेटेड विच हाउसेज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल क्लस्टर? चीन के किस प्रांत में हुआंगशु राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है? जल्द से जवाब देते जाइए, क्या सही जवाब होने वाला है हमारा, कौन से प्रांत के अंदर स्थित है? ऑप्शन सी देखिए, गुहिजू, गुहिजू प्रांत जो है चीन के अंदर, वहां पे ये नेशनल पार्क लोकेटेड है और उसके अंदर पूरे विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह जो है वो मौजूद है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं, वर्ल्ड वाटर डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन? आपसे पूछा है कि विश्व जल दिवस हर साल कौन सी तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा हमारा, हर साल कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अभी 22 मार्च 2019 का इसका थीम क्या था? थीम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाते हैं, लिविंग, लिविंग नो वन बिहाइंड, ये थीम था अब की बार वर्ल्ड वाटर डे का, ठीक है। अगला देखिए, इन 2019 हर्षवर्धन द यूनियन मिनिस्टर ऑफ
इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च द इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ऑन विच डे वॉज ICAP रिलीज। आपसे पूछा गया है कि 2019 में जो हमारे मिनिस्टर हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा ICAP जारी किया गया है, तो कौन सी तिथि को जारी किया गया है, डेट आपसे पूछी गई है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो 27 के लिए, देखिए हमारी मिनिस्ट्री जो है MOEFCC मिनिस्ट्री के द्वारा 16 सितंबर को, 16 सितंबर को क्या होता है, वर्ल्ड ओजोन डे भी होता है। ठीक है, 16 सितंबर को क्या किया, एक डॉक्यूमेंट जारी किया। उस डॉक्यूमेंट में क्या बताया गया था कि इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान दिया गया था और इसी के साथ भारत जो है पूरे विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके द्वारा इस एक तरह का डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। ये कब जारी हुआ, 8 मार्च को, तो ऑप्शन ए डी हमारा सही जवाब हुआ, 8 मार्च को इसको रिलीज किया गया है। तनक इज द सेक्रेट टेक्स्ट फॉर विच रिलीजन या सेक्ट, तनक किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है, तो यह किसका पवित्र ग्रंथ है, यहूदियों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब है। बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल डबल्स प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ डेविस कप एज ऑन 2018, 2018 के अनुसार डेविस कप के इतिहास में सर्वाधिक सफल युगल खिलाड़ी बन गए हैं, कौन बन गए हैं, यह आपको उनका नाम यहाँ पे बताना है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए लिएंडर पेस जो है, He became the most successful double player in the history of Davis Cup as on 2019. तो 29th के लिए सही जवाब क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए लिएंडर पेस, ठीक है? Which of the following Indian author is one of the four screen play writers of the movie Kaipoche? Kaipoche movie आपने जरूर देखी होगी, एक बॉलीवुड मूवी है, तो कौन से भारतीय लेखक की फिल्म Kaipoche के चार में से एक पटकथा लेखक रहे हैं, आपको ये बताना है। देखिए चेतन भगत की एक नॉवल है 3 Mistakes of Life, तो उस नॉवल के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चेतन भगत। चेतन भगत की कौन सी नॉवल है 3 Mistakes of Life, उसके ऊपर ये मूवी बनी गई है। ठीक है, 3 Mistakes of Life, इनकी काफी अच्छी अच्छी और नॉवल्स है जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। फिलहाल मुझे एक ही नाम याद आ रहा है, एक हाफ गर्लफ्रेंड नॉवल है जो भी इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उस पर अभी मूवी भी बनी थी तो इसलिए मुझे थोड़ा सा रिमेम्बर है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, When was the Constitution of Pakistan enforced? कि पाकिस्तान का संविधान कब से प्रभाव में आया था? ये सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा है इवनिंग शिफ्ट के अंदर, तो क्या सही जवाब होगा, कौन से ईयर के अंदर आया? इसका सही जवाब होगा 1973, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब है। ठीक है, अगला देखिए, Which one of the following is the highest altitude lake of Pakistan? पाकिस्तान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो कौन सी है, उसका नाम आपको बताना है। पाकिस्तान की सर्वाधिक ऊंचाई पे जो झील लोकेटेड है, देखिए सीजीएल ने इसका आंसर दिया था परिस्तान लेक। ठीक है, तो सीजीएल के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आंसर बी हमारा सही जवाब होगा, लेकिन पिनाकल के आंसर पे जाएंगे आप या गूगल भी इवन आप करते हैं तो आपको जवाब मिलेगा रश लेक। ठीक है, लेकिन सीजीएल ने आंसर दिया था परिस्तान लेक, तो हम सीजीएल के आंसर को फॉलो करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तविक में आप इसको ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको जवाब मिलेगा रश लेक। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इसके लिए सही जवाब है। आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन हु वॉन द एमेच्योर वर्ल्ड टाइटल इन बोथ स्नूकर एंड बिलियर्ड, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय है जिन्होंने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है? तो एकमात्र खिलाड़ी है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी बहुत ही एक फेमस प्लेयर है, बिलियर्ड्स के खेलते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। ठीक है, फ्रेंडशिप हाईवे इज अ रोड दैट कनेक्ट्स चाइना टू, मित्रता राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को किससे जोड़ती है? फ्रेंडशिप हाईवे जोड़ता है चीन को नेपाल से, तो आंसर क्या होगा हमारा 34th के लिए, आंसर हो जाएगा हमारा नेपाल, ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, Who is the author of the book Indian शास्त्र, इंडिया शास्त्र के लेखक कौन है? Reflection on the nation in our time, इसका सही जवाब क्या होगा, इस बुक को लिखने वाले हैं, इसका सही जवाब होगा हमारे एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, उनकी वोकैब के लिए वो बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, उनकी इंग्लिश और उनकी वोकैबुलरी के लिए वो काफी फेमस है, और उनका नाम है शशि थरूर, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब है। इनके ट्वीट्स पढ़ के भी कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ही डिफरेंट ट्वीट्स होते हैं, कुछ ट्वीट्स तो इनके समझ में भी नहीं आते हैं, तो ऑप्शन बी जो है शशि थरूर के द्वारा इसके बुक को लिखा गया है इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आर टाइम के लेखक है शशि थरूर। ठीक है,
इज वेल नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ द हर मंदिर साहिब गुरुद्वारा इन अमृतसर, फेमसली नोन एज गोल्डन टेम्पल। अमृतसर में हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए कौन प्रसिद्ध है? उनका नाम आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? जवाब देते जाइए मेरे साथ साथ। बहुत सारे बच्चों के आंसर सी आ रहे हैं, सी नहीं होगा, बी। बिल्कुल जी, आपने सही जवाब दिया है, बी। रंजीत सिंह इज द राइट आंसर। रंजीत सिंह को जाना जाता है सौंदर्यकरण के लिए, ठीक है, हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में आती है, सिखों के पांचवें गुरु थे, फिफ्थ गुरु जो थे सिखों के, उनका नाम था अर्जन देव। अर्जन देव जी के द्वारा गोल्डन टेम्पल की स्थापना की गई थी। उन्होंने एक्चुअल में एक आर्किटेक्ट थे साई मियां मीर, जो कि उन्होंने लाहौर से बुलवाया था स्पेशली उनको, उनकी मदद के साथ उन्होंने गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था, ठीक है। अर्जन देव जी के ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। और सौंदर्यकरण की बात करते हैं, ब्यूटिफिकेशन की, तो आंसर क्या होगा? रंजीत सिंह आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, दशहरा इज द ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच कंट्री? दशहरा सबसे बड़ा त्योहार कौन से देश का है? उस देश का नाम आपको यहाँ पे बताना है। क्या सही जवाब होगा? 37 के लिए हमारा जवाब होगा नेपाल। नेपाल में इसको विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 15 दिन लंबा एक त्योहार है, इसको विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, और नेपाल का बहुत ही एक फेमस त्योहार है। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वॉज रनर अप एट द 2019 स्विस ओपन टूर्नामेंट? कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी स्विस ओपन टूर्नामेंट 2019 का उपविजेता रहा था? ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? कौन रहे थे उपविजेता? जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। क्या सही आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए? इसका सही जवाब होगा साई प्रणीत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिल्म मेकर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ इंटरलेकियन इन 2011 एट स्विट्जरलैंड? निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म निर्माता को 2011 में स्विट्जरलैंड में इंटरलेकन के दूत की उपाधि दी गई थी? सही जवाब बताइए, क्या सही जवाब होगा? ए आंसर आ रहे हैं मेरे पास, ए आंसर नहीं होगा इसका। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या सही जवाब होगा? थोड़ा सा रिलेट आप कर पाए हैं, बट आपका थोड़ा सा आंसर गलत है। सही जवाब क्या होगा 39th के लिए? इसका सही जवाब होगा यश चोपड़ा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यश चोपड़ा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? आपसे ये पूछा गया है कि डॉल्फिन किक कौन से खेल से संबंधित है, कौन से खेल में डॉल्फिन किक शब्द का यूज किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? कौन से खेल के अंदर किया जाता है? 10 सेकंड का टाइम आपको दे रही हूं मैं, जल्दी से जवाब दीजिए। कौन से खेल के अंदर किया जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए। आंसर होगा फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर इसको, सॉरी, स्विमिंग इज द राइट आंसर। तैराकी के अंदर ये टर्म यूज होती है, डॉल्फिन किक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे, सी जवाब आने लगे हैं मेरे पास। ऑप्शन सी जो होगा, स्विमिंग शब्द, ये शब्द जो है वो स्विमिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच इंडियन बैट्समैन वॉज द फर्स्ट टू हिट 6 कॉन्जिक्यूटिव सिक्सेस इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट? प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 6 लगातार छक्के मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? जल्दी से जवाब दीजिए। क्रिकेट लवर्स बहुत सारे हैं हमारी कंट्रीज में, तो आई थिंक उनके लिए ये आंसर बहुत इजी होगा, वो बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे। जल्दी से जवाब दीजिए। 41 के लिए सही जवाब क्या होगा हमारा? सी आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, सी इज नॉट राइट आंसर, सी हमारा गलत जवाब है। और जवाब दीजिए मुझे, क्या सही जवाब होने वाला है 41 के लिए? हमारा सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब, ए जवाब दिया है अमित कुमार ने, रवि शास्त्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, ठीक है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज द ट्राइब नीशी बिलोंग? नीशी जनजाति का संबंध भारत के कौन से राज्य से है? जल्दी से जवाब दीजिए। कौन से भारत के राज्य से नीशी जनजाति का संबंध है? इस राज्य के अंदर दो और फेमस ट्राइब के बारे में पूछा जाता है, एक ट्राइब है आपाटानी, ठीक है, और दूसरी ट्राइब है मिशमी। ये ट्राइब भी इसी राज्य से संबंध रखती है और उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज द एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस? कौन से दिन को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में स्थापित किया गया है? तो क्या सही जवाब लेंगे हम 43 के लिए? हमारा आंसर होगा 20th March। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहली बार इस ये दिन कब मनाया गया था, पहली बार कब मनाया गया था, जल्दी से बताइए मुझे। व्हाट वाज इंडियाज रैंक अमंग 156 कंट्रीज इन द ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019? वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक की बात करें तो 2019 में भारत के रैंक क्या रही है, वो आपसे पूछा गया है।
कंट्रीज थी 156, ठीक है, और 156 में से भारत की रैंक रही थी 140, 140 भारत की रैंक रही थी, ठीक है। और फर्स्ट रैंक पूछी जाए अगर आपसे कि सबसे विश्व के अंदर सबसे हैप्पीनेस कौन से देश के अंदर ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा, फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वॉज द ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट 2018 हेल्ड। 2018 का ग्लोबल वेंचर समिट कहाँ पे हुआ था, भारत के कौन से राज्य के अंदर हुआ था, यह हुआ था गोवा के अंदर। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही जवाब है, ठीक है। प्रेम सिंह तमांग वॉज स्वॉन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ, प्रेम सिंह तमांग भारत के कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें मई 2019 में उन्होंने शपथ ली है, तो कौन से राज्य के वो चीफ मिनिस्टर है ये बताइए जल्दी से। 46 के लिए सही आंसर क्या होगा, कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं वो चीफ मिनिस्टर है सिक्किम राज्य के, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। असम राज्य का हम देख चुके हैं, सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल जो है वो असम के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, सोनोवाल। ओके, आप देखिए अरुणाचल प्रदेश के देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू कहाँ के सीएम है, अरुणाचल प्रदेश के। ओडिशा के आप सभी को पता है नवीन पटनायक जो है वो ओडिशा के सीएम है, ठीक है। ये सारे मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिए हैं, सीएम तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कि कौन से राज्य के सीएम कौन है, तो ये थोड़ा सा रिविजन हो गया हमारा। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, AIX जिस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है उस कंपनी का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दैट इज IBM। IBM हमारा सही जवाब है, ठीक है। विच स्टेट हैज प्रपोज्ड टू सेट अप द फर्स्ट ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, किस राज्य ने भारत में पहला ब्लॉकचेन जिला बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, प्रस्ताव दिया गया है कौन से राज्य को बनाने का, सही जवाब क्या होगा हमारा, तेलंगाना, तेलंगाना को बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। सलोली सीमा भारत और कौन से देश के बीच में एक प्रसिद्ध संक्रमण बिंदु है, यह जिस बॉर्डर पे लोकेटेड है वो किसका बॉर्डर है, इंडो नेपाल, ठीक है, भारत और नेपाल के बॉर्डर पे लोकेटेड है, नेपाल हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे, ठीक है। यह हम आज का आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए डेली हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मुश्किल से 25-30 मिनट की एक वीडियो होती है, आप उसको आराम से देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो आपके 50 क्वेश्चन दिन के आपके सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा ही अगर आप 3 महीने तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप सोचिए डेली के 50 क्वेश्चन आप 30 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, तो कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे 3 महीने के अंदर। तो 90 डेज प्रोग्राम ये आपके लिए चलाया गया है, तो डेली कनेक्ट रहिए हमारे साथ और डेली क्लासेस को देखते रहिए, बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म ऑफ केरला इज इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को की मानवता के अमृत सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में है, इसका सही जवाब क्या होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर। यूनेस्को की लिस्ट में किसको शामिल किया गया है, केरला का एक संस्कृत थिएटर है जिसका नाम है कुटियट्टम, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब है। कुटियट्टम 2000 साल पुराना एक संस्कृत थिएटर है जो कहाँ से संबंधित है, केरला से, और उसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। ये क्या है, एक संस्कृत थिएटर है, संस्कृत थिएटर का फॉर्म है, ठीक है। देखिए ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थिरुविथारिकली ये क्या है, केरला का ही है, ये एक डांस है केरला का जो सिर्फ किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चकियार कुथु क्या होता है, ये एक आर्ट फॉर्म है, केरला की ही एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है। और थेयम क्या होता है, ये भी केरला का ये एक डांस फॉर्म है, एक डांस फेस्टिवल है केरला का। ये सारे टर्म्स, चारों टर्म्स केरला से रिलेटेड है और इनके बारे में मैंने एक दो दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के सही जवाब बी आ रहे हैं मेरे पास, वेरी गुड, बी जवाब हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और डेली बने रहिए हमारे साथ 6 बजे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप दिन के सॉल्व कर देंगे सिर्फ मात्र 25 से 30 मिनट के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो अभी क्लास को समाप्त करने का टाइम हो गया है, 50 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, कल मिलते हैं दोबारा इसी टाइम पे कुछ नए जीके के क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे आप, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट और आंसर्स भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलते हैं सेम सी